ब्रायोफिलम का पौधा है। किस चीज का? ब्रायोफिलम। इसको पत्थर चट्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्थर चट्टा। जब किसी के किडनी में स्टोन हो जाता है तो इस पत्ती का रस पीने से वो स्टोन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसलिए इसका नाम है पत्थर। बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है बाबू, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, पत्थर चट्टा मतलब ब्रायोफिलम। बार बार इससे क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, ये पूछता है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है जड़ तना या पत्ती से नया पौधा निकलना। जड़ तना या पत्ती, तो जड़ से कोई पौधा का नाम बता सकते हो जो जड़ से निकल जाता है? तो जैसे केला, देखा होगा केला में जड़ से नया पौधा निकल जाता है, उसी तरह तना से, तना से फिर पौधा तैयार हो गया। तो जैसे गुलाब का डाल हम लोग काट के लगा देते हैं, क्या होता है? फिर से हो जाता है तैयार। और ये होता है फिर पत्ती से भी कायिक प्रवर्धन। तो ब्रायोफिलम में जो है कायिक प्रवर्धन पत्तियों से होता है। कैसे होता है? पत्ती गिरता है तो फिर से नया पौधा निकल जाता है, ठीक है। तो कैसा निकलता है देखो, बहुत अच्छा फोटो आया है। तो पत्ती से नया पौधा निकल गया, पत्ती से कायिक प्रवर्धन इसमें होते हैं। यानी इसका देख रहे हो ना, यानी पूछेगा तुमसे कि ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो क्या बोलना है? पत्तियों से। इसका पत्ती गिरेगा, नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसका पत्ती गिरेगा, देख सकते हो, अरे को पत्ती से नया पौधा निकला है, नया पौधा तैयार हो रहा है, ठीक है। पत्तियों से कायिक प्रवर्धन होता है, बार बार एग्जाम में आता है ब्रायोफिलम। अब ब्रायोफिलम का जरा जड़ देख के बता दो, कैसा जड़ है? जड़ है, जड़ है, एक मेन रूट गया है नीचे, क्या हुआ? जड़।